अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ वानिज़वी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रब का कुरान फरमाता है कि वल्लाहु अज़ीज़ुन इंतिकाम। अभी आपके सामने मैं एक वीडियो रखता हूँ इमरान खान नियाज़ी की, और उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही अहम अपडेट से भी आगाह करना है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहे हैं। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह की आपने इस मुनाफिक बंदे की गुफ्तगू तो खुद ही सुन ली है, और अब ये खुद जो है उसके बराक्स चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, कल को 25 मई को इमरान खान का लॉन्ग मार्च निकलेगा, और नाज़रीन मोहतरम अभी से इनकी हवा जो है वो निकलना शुरू हो गई है। जनाब शेख रशीद जो है वो भी अपना रोना रो रहा है, और जो फवाद चौधरी है वो कादियानियों से खुफिया मुलाकात कर रहा है और कह रहा है कि पीटीआई के जो 700 रहनुमाएं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताऊँ कि रेड जोन जो है वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, दूसरा डी चौंक जो है उसको भी सील कर दिया गया है, और दूसरा नाज़रीन मोहतरम के पीटीआई के जलसे की सिक्योरिटी के लिए 22,000 अफराद जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं, और दूसरा 100 जो कैदी वैगन हैं वो भी मंगवा ली गई हैं, और 15,000 आंसू शेल जो हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं, जो कि इनके लिए 1500 भी होते ना तो वो भी इनको कर जाने थे। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों बाहर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या जुल्म जो है वो नहीं किया। आज जनाब ये हमें कहते हैं, जो हमें कहते थे कि इस तरह नहीं करना, आज खुद मैदान के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, आपको बताऊँ इनकी हर धर्मी और इनकी गुंडागर्दी के समा न्यूज के मुताबिक, जनाब आप स्क्रीन पर भी तस्वीर देख रहे हैं कि जनाब पुलिस अहलकारों को इन्होंने जनाब जख्मी कर दिया। आगे से अपनी जो इन्होंने गुंडागर्दी जो है वो दिखाना शुरू कर दी है, और देखते हैं अब आगे इनके साथ होता क्या है। अभी से इनकी नाज़रीन मोहतरम, आपको बताऊं कि हवा निकलना जो है वो शुरू हो गई है, और अभी से ही ये बिल्लों के अंदर छुपना शुरू हो गए हैं। एजाज चौधरी है जनाब, वो कह रहा है कि मैं आधा घंटा अपने घर के स्टोर के अंदर जो है वो छुपा रहा हूँ, पुलिस वाले मेरे घर आए हैं, हमारी जो चादर चार दीवारी का जो है वो ख्याल नहीं किया। लेकिन नाज़रीन मोहतरम ये देखें, ये अब इनको याद आया है कि जनाब घर की इज्जत क्या होती है, घर की चादर चार दीवारी क्या होती है। लेकिन जब सैयद जादियों के घर जाकर पुलिस एहलकार उनके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं तो तब इनको ये बातें याद नहीं आती, जब खुद पर ये बातें आती हैं तो फिर इनको जनाब सारा कुछ याद आ जाता है कि कानून जनाब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बेनियाज है। इंशाल्लाह इन्होंने अभी मजीद जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ में आना है, और बाबा जी की आज जो दुआ जलाल है वो आज हमें जो है वो साबित होती हुई हमारी आंखों के सामने जो है वो नजर आ रही है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें।